हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एम के एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, रेलवे ने एक बार फिर वापस मौका दिया है उन छात्रों को 400 रुपये और 250 रुपये लौटाने का जिन कैंडिडेट्स ने अपना बैंक डिटेल्स और बैंक डिटेल्स से संबंधित जो भी करेक्शन नहीं किया है और ना ही उन्होंने अभी तक भरा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका है कि उनको वापस आपके 400 रुपये और 250 रुपये मिलने वाले हैं। अगर आप तय सीमा के अंदर अपनी जो बैंक डिटेल्स से संबंधित जो भी जानकारी वो फिलअप कर देते हो और सही तरीके से फिलअप कर देते हो तो आपका बैंक पैसा वापस कर देगी रिफंड करके। तो इस टाइप से क्या है, आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो मैं तुम्हें करना क्या है या करना के लिए क्या, आपको वापस उन्होंने एक लिंक एक्टिवेट कर रही है रेलवे ने। आपको उस लिंक पर जाकर अपनी डिटेल्स भरनी है बैंक से संबंधित और वहाँ भरने के बाद अपना बैंक से पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो देख सकते हो कि मैं सीधे यहाँ पे RRB पटना की साइड पे हूँ यहाँ पे, और नीचे आपका एक नोटिस जारी किया गया है आपका आज की डेट के अंदर 4 अप्रैल को यहाँ पे इस पीस के संबंध में। तो इस नोटिस को जैसे मैं आपको क्लिक करके खोलता हूँ तो आपके सामने इस टैब से एक नोटिफिकेशन खुल जाएगा जो आपके फ़ीस के संबंध में है। इन्होंने यहाँ पर दिया है एग्जाम फीस रिफंड के बारे में, फिर यहाँ पर बोला है एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स अप टू 10/4/2019, यानी कि अब आपके जो बैंक डिटेल्स की जो करेक्शन डेट है वो आपकी 10 बढ़ा दी गई है और 10/4/2019 तक आप इसको कर सकते हो। जो कैंडिडेट्स अब भी रह गए हैं, किसी कैंडिडेट्स रह गए हैं, उनको सभी को बोल दें कि वो अभी बैंक अपनी डिटेल्स को करेक्शन करवा लें, उसकी लिंक जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड कर दी गई है, इसकी लिंक के संबंध से भी RRB साइट पर दे दी गई है। फिर उन्होंने आपको बुलाया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैड इनिशिएटेड रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस टू द कैंडिडेट्स हु हैड अटेंडेड CBT फॉर लेवल फर्स्ट अगेंस्ट CN02/2018। यानी कि जो फीस रिफंड की जा रही है वो उनके लिए जो लेवल फर्स्ट में जो पेपर अटेंड किया था उन्हीं के लिए आपको फीस रिफंड होगी, उनके लिए नहीं जो आपका एग्जाम ही नहीं देने ही नहीं बैठे उनके लिए फीस रिफंड नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पर दिया कि टू एनेबल कैंडिडेट्स whose refund has failed or could not be initiated for one two of account details and update bank account link was provided on the website of RRB from 22/3/2019 to 28/3/2019 to correct and provide bank account details by such candidates। यानी कि इसी तौर पर देखा, पहले आपकी जो डेट थी वो 22/3 से और 28/3 के बीच में रखी गई थी बैंक करेक्शन करने की और डिटेल्स जो भी करेक्शन करने की, अब ये आपको 22/3 से 28/3 तक जो डेट थी पहले की, अब ये 28/3 से बढ़ा के अब आपकी 4 अप्रैल यानी कि 4 अप्रैल तक आपकी कर दी गई, सॉरी 10 अप्रैल तक कर दी गई है। तो 10 अप्रैल तक इसको आप बैंक डिटेल्स डिटेल एडिट कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो, इसके बाद आपका फीस रिफंड हो जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने आपको सीधे तौर पर बोला है कि आपको करना क्या है, आपको करना है क्या है, प्लीज़ नोट दैट प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स विद द करेक्ट, यानी कि आपको जो सही तरीके से अपना IFSC कोड डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, अपनी जो भी डिटेल्स है अपनी वो डालनी है। तो IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपका प्योरली शुद्ध होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तो ही आपकी फ़ीस रिफंड हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एक बार में नाम में हो सकता है गड़बड़ तो कुछ चल जाएगा, लेकिन IFSC कोड और आपका बैंक अकाउंट एक्यूरेट होना चाहिए। ये दोनों को लिंक आप डालोगे, संबंधित डालोगे लिंक पे, तो आपका क्या है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका फ़ीस रिफंड हो जाएगा। अब आपको कैसे करना है इसको, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना है क्या, वापस उसी साइट पे जाना है जहाँ पे अपने RRB साइट थी, और वहाँ उन्होंने नीचे दिए ये वाला, ये प्रॉप्शन ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ये आपको दिखा दे रहा है आपका कि यूज दिस लिंक टू अपडेट करेक्ट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जो स्टाफ का है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, क्या है आपको यहाँ पर आपको दिखा है प्लीज़ विजिट, सॉरी, फिर आपको यहाँ पर दे रहा है अकाउंट डिटेल्स करेक्शन, आपको यहाँ पर करना है, इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टाफ से ये पेज खुल जाएगा। अब जिस RRB बोर्ड से आपने फॉर्म फिलअप किया था उस RRB को आपको चूज कर लेना है, जो कौन सा भी आप चूज कर लो। जैसे सपोज करो मैं आपको यहाँ पटना हूँ तो पटना से मैं चूज करता हूँ, यहाँ पर इस पटना को चूज करता हूँ, इस पर क्लिक करनी है आपको, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से एक पेज खुल जाएगा जो यहाँ पे आपको क्या मांगेगा, यहाँ आपको अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स के बारे में बोलेगा, और फिर यहाँ पे मांगेगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ मांगेगा आपको डेट ऑफ बर्थ, और फिर आपको करना है क्या, ये कैप्चर फिल
लेके यहाँ पे एंटर कर देना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक बैंक डिटेल की सारी जानकारी खुल जाएगी, उसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना है, उसके बाद आपका सबमिट कर देना फाइनल रूप से। फिर आपके क्या कुछ दिनों के बाद आपका फीस रिफंड हो जाएगी आपके अकाउंट में। तो इस टाइप से ये प्रोसीजर है पूरा, और इसकी जो लिंक है बैंक डिटेल्स की जो आप करेक्शन करने की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी सीधे अपनी बैंक डिटेल से संबंधित जानकारी करेक्शन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी सभी लोगों को, और जो जिस भाई की अभी तक पैसे रिफंड नहीं हो पाए उनको ये सूचना जरूर कर दें। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी नई न्यूज़ के लिए, बाय।